रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले तेज करने के बाद से युद्ध भयंकर होता जा रहा है। पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन पर संकट मंडरा रहा है। इस बीच यूक्रेन के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, तो वहीं रूस की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। दरअसल हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने दावा किया कि यूरोपीय यूनियन और नेटो देश संभावित रूप से यूक्रेन में सेना तैनात करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रुसेल्स मॉस्को और कीव के बीच संघर्ष को अपना मानता है। ऑर्बन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के नेताओं का मूड युद्ध जैसा है। आज ब्रुसेल्स में युद्ध समर्थक बहुमत है। ब्लॉक की राजनीति युद्ध के तर्क पर हावी है। यूरोपीय यूनियन के राजनेता पहले से ही संघर्ष में इतने डूबे हैं कि वे अपनी रणनीति में खामियां देखने में विफल हैं। तमाम पैसे और हथियारों के बावजूद कीव के लिए स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। वास्तव में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हम पश्चिमी देशों की ओर से यूक्रेन में सेना भेजने से एक कदम दूर है। ये युद्ध का एक भंवर है जो यूरोप को इसकी गहराई में खींच सकता है। ब्रुसेल्स आग से खेल रहा है। हालांकि हंगरी के प्रधानमंत्री ने साफ किया कि बुडापेस्ट खुद को शत्रुता में घसीटने नहीं देगा। किसी भी तरह से युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा। उनके देश को ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन, संयुक्त राष्ट्र और नेटो समेत हर जगह शांति के लिए खड़ा होना चाहिए। हम युद्ध नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि हंगरी फिर से महान शक्तियों का खिलौना बन जाए। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। पहले भी यूक्रेन में नेटो सेना भेजने का विचार पश्चिमी नेताओं की ओर से किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने पहली बार ये मुद्दा फरवरी में उठाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सभी विकल्प संभव हैं, कीव के लिए समर्थन की कोई सीमा नहीं है। ऐसा दावा है कि मैक्रॉन के बयान में शुरू में कुछ नेटो सहयोगियों को चिंता में डाल दिया था, जिन्होंने तुरंत ही ऐसी रणनीतियों से पल्ला झाड़ लिया। हालांकि मैक्रॉन को नाटो गुट के कुछ सदस्य देशों पर समर्थन भी प्राप्त हुआ है। वहीं मार्च महीने में पोलिश विदेश मंत्री ने कहा था कि यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान के लिए पश्चिम की ओर से इजाफे की सख्त जरूरत है। एस्टोनियाई रक्षा मंत्री ने अप्रैल में कहा था कि नेटो के प्रत्येक सदस्य के पास पहले से ही यूक्रेन में सैन्य कर्मी हैं जो सलाहकार या प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। बीते दिनों ब्रिटेन के पूर्व सशस्त्र बलों के राज्य मंत्री ने दावा किया था कि यूक्रेन में नेटो सैनिकों को भेजने पर विचार किया जाना चाहिए। इस बीच मॉस्को ने हालिया घटनाक्रम पर चेतावनी दी है। यूक्रेन में नेटो सैनिकों को तैनात करने से अमेरिका के नेतृत्व वाला गुट रूस के साथ पूर्ण संघर्ष के कगार पर पहुंच जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने मार्च में कहा था कि यह पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम पीछे होगा। Это как минимум недемократично.